हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि चल रहा है हम लोगों का कोरल ड्रा X8, और आज के इस वीडियो में बेसिक सीरीज के अंतर्गत हम लोग सीखने वाले हैं टूल्स के बारे में। एक्चुअली आज से हम लोग टूल्स के बारे में सीखेंगे। तो टूल्स के अध्याय के अंदर जो सबसे ऊपर टूल है वो है पिक टूल। लेकिन पिक टूल को समझने के लिए हमें जो है किसी ना किसी सहायक टूल की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर के पिक टूल को हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो उसके हेल्प के लिए हम जो है इस अध्याय में रेक्टेंगल टूल को लेकर के चलेंगे। तो यानी कि इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है पिक टूल और रेक्टेंगल टूल दोनों को ही एक साथ समझेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है और बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। इसके बिना कोरल ड्रा का कुछ भी पार्ट आप आगे नहीं सीख सकते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इन दोनों टूल को विधिवत तरीके से सीखें, पूरा डिटेल्स में सीखें, और हम लोग पूरा डिटेल्स में इसमें बात करने वाले हैं, ताकि आप लोग आगे चल करके बेहतर से बेहतर डिज़ाइन या फिर ड्राइंग कोरल ड्रॉ के अंदर बना सकें। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं कोरल ड्रॉ पे और प्रॉपर तरीके से हम समझते हैं। तो ये है कोरल ड्रॉ, और ये बेसिक जो है नॉर्मल फाइल हमने ओपन कर रखा है A4 के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं टूल बार के अंदर ये सबसे ऊपर जो है पिक टूल है, और इसके सहायक टूल के लिए हम इसे समझने के लिए प्रॉपर तरीके से जो हम दूसरा टूल यूज़ करने वाले हैं वो है रेक्टेंगल टूल, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन दोनों टूल के बारे में हम लोग प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तो आप सभी टूल्स में देख पा रहे हैं कुछ टूल के नीचे ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो ट्रायंगल बनने का मतलब ये है कि उस टूल के अंदर कुछ और टूल हैं जो उससे मिलते जुलते वर्क को करेंगे। जैसे आप अगर टूल्स को देखने के लिए, जैसे मान लीजिए अगर आप उन टूल को देखना चाहते हैं, तो उन ट्रायंगल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके अंदर के मौजूद टूल आपको दिखाई देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे ऊपर पिक टूल है, और पिक टूल मेन है, और उसके नीचे फ्री हैंड पिक टूल है, और उसके नीचे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। और उसी प्रकार आप इसके नीचे देखेंगे जितने भी टूल्स हैं उन सभी के नीचे उसी से रिलेटेड टूल्स आपको मिल जाएंगे, जिनके नीचे भी ये रेक्टेंगल टूल मिलेगा। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जिस टूल को हम लोग समझने वाले हैं रेक्टेंगल टूल, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको एक रेक्टेंगल टूल और थ्री पॉइंट रेक्टेंगल टूल आपको देखने को मिल जाता है। तो इसे हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। तो अभी जो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर दिख रही है वो पेज की प्रॉपर्टी दिख रही है, जिसे हमने पिछले वीडियो में समझा था। हम इसे जूम करते हैं, और जूम करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है, आप उसको माउस को जहाँ पर रख करके आप स्क्रॉल को घुमाएंगे तो क्या होगा कि जहाँ पर माउस होगा वो पॉइंट वहाँ पर फिक्स होकर के बाकी एरिया जो है भागेगा दूर, वो जूम होकर के आउट होगा। जैसे हमने यहाँ पर रखा और यहाँ पर जो हम स्क्रॉल को घुमा रहे हैं तो इस तरीके से जूम हो रहा है। तो जो एरिया जो माउस पॉइंटर पर है वो फिक्स रह रहा है, ये चीज़ ध्यान देंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से बिल्कुल ब्लैंक फाइल यहाँ पर ले लेते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले जो है हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट की भी होता है, सभी टूल्स को हमें वर्क करते समय डायरेक्ट अगर हम लेना चाहते हैं शॉर्टकट से, तो हम शॉर्टकट की भी इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल का शॉर्टकट की F6 है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आएगा, या फिर F6 क्लिक करेंगे तब भी ये रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद इसको हमें ड्रॉ कैसे करना होता है, जहाँ से भी आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करना है ध्यान रखेंगे, जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वहाँ पर माउस पॉइंटर को ले जा करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। रखते हुए और जब ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से वो रेक्टेंगल ड्रॉ होता हुआ नज़र आएगा, और इसको जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा रख करके आप माउस का लेफ्ट बटन छोड़ेंगे, वो जो है ड्रॉ हो जाएगा। और उसके बाद अब जो कुछ भी इसके अंदर करना है, जैसे कि मैंने बोला था, कोई भी टूल से जो भी आपको ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करने के बाद आप उस टूल को छोड़ दें, और उसके बाद आप पिक टूल को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसके बाद जो भी इसके अंदर हमें कन्वर्सेशन करना होगा, जो भी इसके अंदर चेंजिंग करना होगा, उसके लिए हमें जो है पिक टूल को सेलेक्ट करना होगा। जैसे ही हमने ड्रॉ कर लिया, अब रेक्टेंगल टूल का काम खत्म हो गया। अब जो भी कुछ इसके अंदर हमें मॉडिफिकेशन करना है
उसके लिए हमें पिक टूल को पकड़ना होगा। तो यहां से हम पिक टूल को सेलेक्ट करेंगे, बाहर साइड में आप क्लिक करेंगे तो वो डिसेलेक्ट हो जाएगा, और अंदर में जब क्लिक करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और सेलेक्ट होते ही जिस भी टूल से वो ड्रॉ आप बनाए होंगे, जैसे मान लीजिए हमने ड्रॉ किया था रेक्टेंगल टूल से, तो रेक्टेंगल टूल की प्रॉपर्टी यहां पर आ जाती है। तो इससे आप समझ ले पहले, जैसे कि ये जो है एक्स वाई पेज के ऊपर ये कहां पर रखना है वो चीज निर्धारित करेगा। जैसे ये 92 है, अगर हम इस पर 60 करते हैं तो क्या होता है, आप ये देख सकते हैं एक्स में वो हट गया, कंट्रोल जेड करते हैं, ये है वाई, अगर हम वाई में चेंज करते हैं 243 से अगर हम इसको 200 करते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर नीचे, यानी कि वाई जो है चेंज हुआ, इस तरीके से आता है। और उसके बाद ये जो होता है ये रेक्टेंगल का साइज बताता है कि इसकी विड्थ क्या है और हाइट क्या है, ये एमएम में बता रहा है। एमएम में क्यों बता रहा है कि जो हमने स्केल सेलेक्ट किया हुआ है वो हमने मिलीमीटर्स का स्केल सेलेक्ट किया हुआ है। अगर वो इंच में चाहिए तो आप इंच में भी कर सकते हैं, अगर वो मिलीमीटर्स में चाहिए या फिर फिट में चाहिए, चाहे पिक्सल्स में चाहिए, जिसमें भी आपको चाहिए आप उसको जो है चेंज कर सकते हैं, वो यूनिट्स उसका चेंज कर सकते हैं। वो यूनिट्स चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, साइड में कहीं पर भी आपको क्लिक करके आपको पेज प्रॉपर्टी पे आना होगा, और यहाँ ये मिलीमीटर्स देख सकते हैं आप, इस पर क्लिक करके जो है आप यहाँ से वो यूनिट्स बदल सकते हैं। मान लीजिए अगर इंच में करेंगे और आप जब इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये यूनिट्स इसका जो है ये जो साइज है वो इंच में दिखाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और ये जो चेंज करना है, आप इसको सेलेक्ट रखते हुए भी आप यहाँ रूलर पर जब डबल क्लिक करेंगे तो ये खुलेगा, रूलर यहाँ से खुलेगा और आप यहाँ से भी वही मेजरमेंट आप जो है ये यूनिट्स जो है आप चेंज कर सकते हैं। तो ये दो जगह से आप चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम कैंसिल करते हैं, और उसके बाद जो है जो भी साइज हमको देना है, इंच में देना है, इंच में मान लीजिए 5 इंच हमको देना है और हाइट इसकी 3 इंच देनी है, उस हिसाब से जो है हम इसे सेट कर लेंगे। दूसरी चीज क्या है, पहले हम इसको इसके वर्किंग को बाकी वर्किंग को समझ लेते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, छोटा साइज ही हमें चाहिए तो छोटे साइज में समझते हैं। तो क्या होता है, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट होने के बाद ये 8 हैंडल आ जाते हैं इस तरीके से। तो ये हैंडल्स का क्या काम है कि जैसे एक बीच में एक पॉइंट बनता है, क्रॉस पॉइंट बनता है, आप इस क्रॉस पॉइंट को पकड़ करके आप इसको कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इधर उधर ले जाने के लिए जैसे ही आप बॉर्डर पर जाते हैं, बॉर्डर लाइन पे, तो इस तरीके का नोड बनता हुआ नजर आएगा और इस तरीके का प्लस बनता हुआ माउस पॉइंटर आपका नजर आएगा। तो आप यहां से भी लेफ्ट बटन को क्लिक करके पकड़ लेंगे और इस तरीके से जहां भी रखना होगा रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इस बीच वाले हैंडल्स को अगर आप क्लिक करके पकड़ते हैं तो आप इस तरीके से आप जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस एंगल में आप पकड़ेंगे उसी एंगल में होगा। उसके बाद ये इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसको लेंगे तो इस तरीके से आप जो है छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, इधर से लेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगर रिशियो में करना चाहते हैं तो आप ये कॉर्नर वाले हैंडल को पकड़ेंगे और उसके बाद जो है आप इसको इस तरह जब करेंगे तो छोटा बड़ा ये रिशियो में होगा, जो भी रिशियो में हम ड्रॉ किए हुए रहेंगे। तो इस तरीके से इसका वर्क होता है। और उसके बाद अगर आपको इसको किसी भी एंगल में रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप ये जो बीच में क्रॉस पॉइंट दिख रहा है आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करते हैं वैसे ही यहाँ पर इस तरीके का रोटेट करने के लिए ये सारे के सारे जो है ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अगर आप यहाँ से पकड़ करके आप इसको घुमाएंगे तो इस तरीके से रोटेट होता हुआ नजर आएगा, ये जो है चारों हैंडल से किसी को भी पकड़ करके घुमाएंगे तो ये रोटेट होगा। और एक चीज इसमें आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक इसका सेंटर पॉइंट है तो ये सेंटर से मूव कर रहा है, क्योंकि इसका ये जो सेंटर पॉइंट है फिक्स जो है वो सेंटर में है। आप इसका पॉइंट बदल भी सकते हैं, आप इस पर क्लिक करके इसको जो है मान लीजिए यहां कॉर्नर पे अगर कर देते हैं तो क्या होगा, जो भी पॉइंट आपको पकड़ना है, जो भी कॉर्नर्स पकड़ना है, पकड़ करके जब घुमाएंगे तो वो उस कॉर्नर से घूमेगा इस तरीके से, इस तरीके से। तो वो जो है सेंटर पॉइंट आप जहां कर देंगे वहीं पर फिक्स हो जाएगा और वो वहीं से घूमेगा, और किसी भी कॉर्नर्स को पकड़ करके आप जो है घुमाएंगे तो वो वहीं से घूमेगा इस तरीके से। और कंट्रोल जेड जेड करते रहेंगे तो वन बाई वन करके आप बैक आते हुए चले जाएंगे। और उसके बाद मान लीजिए सेंटर में है और ये जो पॉइंट है जब आप इसको इधर उधर करेंगे तो इस तरीके से मूव होगा, इसको इधर उधर करेंगे तो इस तरीके से मूव होगा।
तो इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है जब हम आगे वर्क करेंगे तो समझेंगे। अभी एक्चुअली ऑप्शंस को हम समझते हैं। तो ये तो रहा इसको हमें किसी भी एंगल में मूव करने के लिए, घुमाने के लिए। तो आप यहां पर प्रॉपर्टी में देख रहे थे, जैसे हमने क्लिक किया था, ये जो था इसका साइज, और ये जो है परसेंटेज में आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने 50% किया तो वो परसेंटेज में भी आप इसको मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर इंचेज में मैनेज होगा और यहाँ पर परसेंटेज में मैनेज होगा। उसके बाद ये क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल जेड करते हैं इस तरीके से, तो इसका एक रेशियो बना हुआ है। मान लीजिए इसी रेशियो में इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, अभी क्या है कि अभी अगर इसको जो है विड्थ एंड हाइट अलग अलग आप मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम विड्थ मेंटेन करें तो हाइट भी मेंटेन हो ऑटोमेटिक, वो अलग अलग ना करना पड़े, तो उसके लिए क्या करना, उसी रेशियो में मेंटेन करते हुए आप यहां से ये इस लॉक है, ये लॉक रेशियो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो वो रेशियो लॉक हो जाएगा। और यहां से कोई भी साइज जब चेंज करेंगे, मान लीजिए यहां से हमें 4 इंच करना है तो वो उसी रेशियो में जो है बड़ा छोटा होगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहां से जो है हम इस लॉक को ऑफ करते हैं और उसके बाद उसका रोटेट आप यहां से किसी एंगल में भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 20 किया, इंटर करेंगे तो उस एंगल में, जितना एंगल में आपको रोटेट करना है उस एंगल में आप जो है उसको रोटेट कर सकते हैं इस तरीके से। और उसके बाद जो है ये है मिरर हॉरिजेंटली और ये जो है मिरर वर्टिकली। तो ये भी इस तरीके का समझ में नहीं आएगा। एक और हम रेक्टेंगल यहां पर छोटा सा बनाते हैं और एक रेक्टेंगल हम यहां बनाते हैं इस तरीके से, और दोनों को जो है हम ग्रुप कर देते हैं। ग्रुप के बारे में हम आगे समझेंगे, अभी ग्रुप के बारे में हम बात नहीं करेंगे। ग्रुप करने से एक्चुअली क्या है, ये पूरा 3 रेक्टेंगल था, तीनों एक साथ जो है ग्रुप में हो गया। अब क्या है कि अगर यहां से मिरर हॉरिजेंटली करते हैं तो लेफ्ट एंड राइट आपस में जो है इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे ये हमने किया, आप देख सकते हैं ये जो रेक्टेंगल था इधर था, अब ये इधर हो गया। उसी प्रकार से ये ऊपर वर्टिकली है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे था ये ऊपर हो गया। तो इस तरीके से मिरर काम करता है। अब हम कंट्रोल जेड करते चलते हैं, वापस पहले के कंडीशन में आते हैं। ये था हमारा ओरिजिनल कंडीशन। अब उसके बाद हम चलते हैं, ये है ये राउंड कॉर्नर्स के लिए आता है। अगर आपने इसको सेलेक्ट किया हुआ है और चाहते हैं कि ये कॉर्नर्स जो है अभी बिल्कुल स्ट्रेट है और ये राउंडेड हो तो उसके लिए ये आता है। तो उसके लिए हम हमको क्या करना है, एक चीज और ध्यान देंगे हमेशा कि रेक्टेंगल तो हमने बनाया था रेक्टेंगल टूल से, लेकिन इसके अंदर जितना भी हम वर्क कर रहे हैं यानी रेक्टेंगल टूल की जो प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं वो हम पिक टूल को सेलेक्ट रखते हुए यूज कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं ये जितने भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी रेक्टेंगल टूल का है, और जो हम वर्क कर रहे हैं सिलेक्शन वगैरह करके मॉडिफिकेशन करने के लिए जो हम टूल यूज कर रहे हैं वो है पिक टूल को पकड़ करके। तो ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कोई भी वर्क जो है आपका पिक टूल को सेलेक्ट रखते हुए ही हमको करना होगा। तो अब चूंकि राउंड करना है तो राउंड करने के लिए जैसे ये ऑप्शंस आपको मिलते हैं चारों कॉर्नर्स के लिए, लेफ्ट के लिए ऊपर नीचे के लिए ये दोनों, राइट के लिए जो है ऊपर नीचे के लिए ये दोनों, ये मिलते हैं इस तरीके से। तो अब क्या है, अगर इनमें से कोई भी नंबर्स अगर आप घटाते बढ़ाते हैं तो वो जो है राउंड जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड होगा। तो यहां से आप जो है ये डाउन एंड अप एरो से भी आप कर सकते हैं। जैसे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ये नंबर्स बढ़ता चला जाएगा और आप ये देख पा रहे हैं चारों के चारों जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड होते जा रहे हैं। चारों के चारों हो रहे हैं, वो इसलिए चारों के चारों हो रहे हैं कि सभी में वो नंबर्स बढ़ रहा है। आप किसी को भी यूज करेंगे चारों में ही वो नंबर्स बढ़ते हुए नजर आएंगे इस तरीके से। आप यहां पर टाइप करके भी कोई नंबर्स दे सकते हैं, मान लीजिए 0.20 हमको करना है तो इस तरीके से 0.20 इंच के अंदर 0.2 इंच के अंदर जो है ये चेंज हुआ है इस तरीके से। और अगर आप चाहते हैं कि ये चारों कॉर्नर्स जो है एक साथ राउंड ना हो, वन बाय वन, या फिर हमको किसी एक ही कॉर्नर को राउंड करना है तो क्या करेंगे, ये चीज समझ ले पहले, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो चारों ये नंबर्स हैं इसके बीच में ये लॉक है, ये लॉक इस वक्त ऑन है। ऑन है, ऑन रहने का मतलब यह क्लिक है जो आप ये हाईलाइटेड है देख सकते हैं, तो तभी जा करके ये एक जगह कहीं पर भी कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं तो ये हर जगह से चेंज हो रहा है, यानी कि चारों कॉर्नर्स चेंज हो रहे हैं। तो हम इसको जीरो कर देते हैं, एक को जीरो करेंगे सारे जीरो हो जाएंगे। अब अगर हम इसका ये लॉक जो है क्लिक कर दें इस पर तो ये लॉक हट जाएगा और जिस भी कॉर्नर को हमें राउंड करना है उसको हम राउंड कर सकते हैं इंडिविजुअल। जैसे इस कॉर्नर को हमें राउंड करना है तो क्या करेंगे, ये उसके लिए है, इस पर हम
0.2 इंच करते हैं तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल एक ही कॉर्नर हुआ है, और इसी को हम 0.5 कर देते हैं तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद मान लीजिए ये अगर हमको करना है तो क्या करना होगा, यहां से ये इसका नीचे वाला करना होगा 0.5 इस तरीके से। तो इस तरीके से इस राउंड को हम जो है कॉर्नर करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, वापिस हम इस कंडीशन में आते हैं। तो अभी जो भी हमने वर्क किया वो हम ये यानी कि बाहर की तरफ से राउंड कर रहा था, राउंड कॉर्नर, और उसके बाद जो है ये स्काइलप्ट कॉर्नर ये क्या करेगा, ये अंदर की तरफ जो है राउंड करेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, आप ये ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, नंबर्स बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल अंदर की तरफ ये जो है राउंड कर रहा है। इस टाइप की डिजाइनिंग आपको बहुत जगह मिल जाती होंगी, जो कोरल ड्रा के अंदर बनाना ये सब बहुत ही आसान है इस तरीके से। तो आप बाकी सब जो अगर किसी सिंगल कॉर्नर को करना है तो बिल्कुल फॉर्मूला वही लगेगा, हमें यूज उसी तरीके से करना है जैसे कि हमने बाहर साइड में राउंड किया था। तो ये तो इस तरीके का हो गया। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये जो है नंबर्स देने के बाद भी इसमें से आप अलग अलग शेप ले सकते हैं इस तरीके से, और अलग अलग इसको यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहां पर ये जो भी रेक्टेंगल है उसका जो आउटलाइन है यानी जो लाइनिंग दिख रही है वो जो है उसकी लाइन की मोटाई हम यहां से कवर करेंगे। ये रही आउटलाइन विड्थ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये अलग 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 जो है उसकी मोटाई के लिए दिया हुआ है। आप आगे ये पॉइंट्स में है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं उस तरीके से ये मोटा पतला होगा। और इसके लिए और भी ऑप्शंस हैं, बाकी ऑप्शंस जो है इसको मान लीजिए लाइन को मोटा करना है तो अगर और सारे ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए आपको आना होगा यहाँ पर। आप ये नीचे देख सकते हैं, जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शंस खुल करके आएगा इस तरीके से, और इस ऑप्शंस में जो है आप एक ही बार में सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम कोई सा भी कलर ले सकते हैं, और यहाँ से विड्थ हम निर्धारित कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये इसकी स्केलिंग जो पॉइंट में आप देख रहे थे वो इंच में, मिलीमीटर्स में या फिर पिक्सल्स में, वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। और उसके बाद ये रहा, ये उसका स्टाइल है कि आपको किस स्टाइल में रखना है। इसके अंदर बहुत सारी स्टाइल्स मिल जाती है, जैसे अगर सिर्फ लाइन चाहिए तो आप यहाँ से लाइन ले सकते हैं, और उसके नीचे जाएंगे तो डॉट्स आएंगे, तरह तरह के डॉट्स आते हैं। अगर इनमें से कोई डॉटेड वाली लाइन अगर आपको चाहिए तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये हमने सेलेक्ट किया। और कॉर्नर्स इसका कैसा चाहिए वो चीज़ यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअली रेक्टेंगल के लिए है और ये लाइंस के लिए है, ये आप देख सकते हैं। तो ये कॉर्नर्स कैसा चाहिए वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, और बाकी के बारे में जो है हम आगे बात करेंगे। इसके बारे में भी हम आगे लाइंस वाला जब हम यहाँ से टूल समझेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हम फिलहाल इसी के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ जब आप ओके करेंगे तो इस तरीके से ये हो गया। तो अब हम कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पर हमें बस इतना ही समझना था रेक्टेंगल टूल के बारे में। तो ये एक्चुअली सेलेक्ट करना पड़ रहा है, जब हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इस तरह क्लिक करेंगे सेलेक्ट हो जा रहा है। लेकिन कई बार हमें कई सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम एक रेक्टेंगल ये लिया और इसको हम थोड़ा सा कम कर देते हैं इस तरीके से, और इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, यहाँ से एक और हो गया, कंट्रोल डी करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, इस तरीके से कई सारे इधर उधर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। मान लीजिए इसका साइज़ हम अलग अलग कर देते हैं, कई तरीके का बहुत सारा है और हमें मल्टी सेलेक्शन करना है तो क्या करेंगे, अगर इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है तो पिक टूल को सेलेक्ट रखते हुए ही हम यहाँ से बाहर साइड से इस तरीके से जब हम ड्रैग करते हुए आएंगे तो ड्रैग यानी कि जैसे आप देख सकते हैं ये ब्लू लाइंस जो आ रही है डॉटेड, इसके अंदर जितना ऑब्जेक्ट मिलेगा वो सारा का सारा एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। अगर यहाँ से आप इस तरीके का सेलेक्ट करते हैं और ये सिर्फ दो ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो इस तरीके से सिर्फ ये दो ही ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हुआ इस तरीके से। इस तरीके से इन दो को लेते हैं तो ये दो ही सेलेक्ट होगा, यानी कि जो वो ब्लू डॉटेड लाइन के अंदर दिखेगा ऑब्जेक्ट वो सेलेक्ट होगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है कि अगर हमें ये और ये सेलेक्ट करना हो तो जल्दी नहीं हो पाएगा इस तरीके से। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से हम लेकर के जाते हैं और ये ऊपर वाले को सेलेक्ट करते करने के चक्कर में नीचे वाला भी सेलेक्ट हो जा रहा है, यानी कि ये भी सेलेक्ट हो जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। और हम चाहते कि इसको और इसको सेलेक्ट करें तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट, और सेकेंड के लिए आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके रखना होगा। तो इस तरीके से आप सभी को सेलेक्ट कर सकते हैं।
इस तरीके से जो है मल्टी जो जो आपको सेलेक्ट करना है वो शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखिए और जिन जिन को सेलेक्ट करना है उसे उसे आप जो है इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है वो है इसी के अंदर फ्री हैंड पिक टूल। इससे जो है मान लीजिए हमें इनको सेलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से हम ड्रैग करते हुए जाएंगे, यहाँ से ऊपर आए, यहाँ से आए, इसको हम इस घेरे में ले लेते हैं और यहाँ से ऐसे आकर के छोड़ देते हैं। फिर क्या होगा, ये दोनों जो है रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गया है, एक ये तरीका हुआ। और इसी के अंदर जो है एक और टूल है, आप ये देख सकते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। तो वो क्या करेगा, अभी हम यहाँ से पिक टूल लेते हैं, हम बाकी को डिलीट करते हैं इस तरीके से और हम इस पर समझते हैं। तो आप यहां से भी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, लेकिन जब आप यहां से इसके पिक टूल से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आने के बाद जब आप माउस बटन क्लिक करके लेफ्ट राइट जब लेकर के जाएंगे तो वो उसकी विड्थ कम जाते होती हुई आपको नजर आएगी इस तरीके से, और इसी को जब आप ऊपर नीचे करेंगे तो उसकी हाइट कम ज्यादा होती हुई नजर आएगी इस तरीके से। और यही चीज जब आप इस तरह से कॉर्नर टू कॉर्नर पकड़ेंगे तो वो एक रेशियो में कम ज्यादा होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से छोटा बड़ा करने के लिए जो है ये टूल जो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज होता है। तो ये तो आपने देखा पिक टूल के सभी यूज, और उसके बाद हम देख लेते हैं यहां पर एक और टूल है ये रेक्टेंगल टूल के अंदर, यहां पर थ्री पॉइंट रेक्टेंगल टूल, यानी कि तीन बार आपको क्लिक करना होगा तब रेक्टेंगल बनेगा। जैसे फर्स्ट आपने यहां क्लिक किया, क्लिक करके छोड़ा नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ देंगे तो ये कुछ नहीं होगा। माउस लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखते हुए आपको सीधा जाना है आगे, जितना लंबा आपको रेक्टेंगल चाहिए, और खींचते समय एक चीज ध्यान देंगे, जब आप शिफ्ट बटन को प्रेस रखेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी होगी, या फिर इस तरीके से दो तीन पॉइंट में थोड़े थोड़े दूर पर ये मूव करता हुआ नजर आएगा इस तरीके से। आप ध्यान देंगे अगर बिल्कुल सीधी लाइन आपको ऐसे खींचेंगे तो नहीं होगा, शिफ्ट बटन को प्रेस कर लेंगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी। उसके बाद आप माउस बटन को छोड़ देंगे तो यहां से इस तरीके का आएगा, उसके बाद जितना बड़ा आपको चाहिए यानी नीचे तक जितना आना है वहां पर आने के बाद आप क्लिक कर देंगे वो रेक्टेंगल उतने का ड्रॉ हो जाएगा। और एक चीज हम भूल गए थे, जैसे और इस तरीके से जैसे मान लीजिए हम इसे अगर रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो आप इस तरीके से जो है फ्री हैंड करेंगे, अगर शिफ्ट बटन प्रेस करते हैं तो इस तरीके से आपने जो है जैसे इसको रेशियो में लिया यहां पर और चारों तरफ एक रेशियो में जो है इस तरीके से चारों तरफ रेक्टेंगल ड्रॉ होगा इस तरीके से। और यही चीज अगर आप कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं तो वो जो है स्क्वायर ड्रॉ होगा इस तरीके से, स्क्वायर में देख सकते हैं जिसका हाइट एंड विड्थ बिल्कुल बराबर रहेगा। तो अगर आप जो है यानी कि रेक्टेंगल एक रेशियो में ड्रॉ करना है तो आप शिफ्ट को दबा करके रखेंगे, और अगर आपको फिक्स जो है स्क्वायर बनाना है तो आप इस तरीके से कंट्रोल बटन को प्रेस करके रखेंगे तो इस तरीके से जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है कोई भी आप जो है रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। और ये वीडियो चूंकि काफ़ी लंबी हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कलर्स के बारे में कि अगर हम इसे कलर्स फिल करना है, आउटलाइंस वगैरह कलर देना है, कलर को फिल करना है तो हम कैसे वो कलर करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिक टूल और जो है आपका रेक्टेंगल टूल आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में बताएं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बाकी लोग भी कोरल ड्रॉ को प्रॉपर तरीके से सीख सकें। तो दोस्तों इस वीडियो अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।